गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, उम्मीद है आप सब घर में ही होंगे और सेफ होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और कोरोना अभी तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन इससे भी पहले इतने सारे जनों को हो गया है, यहाँ तक कि हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स को भी हो गया है। अभी पता चला कि मैंने जिनसे इंस्पायर होकर डेली व्लॉगिंग चालू की है, सौरभ जोशी, उनको भी हो गया। तो सब अलग अलग यूट्यूबर्स और अलग अलग लोग, यूट्यूबर्स को जो छोड़ो, बहुत मतलब अलग अलग लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप घर पे ही रहिए, क्योंकि फालतू काम में ज़्यादातर लोग निकल रहे हैं, फालतू में घूम रहे हैं इधर उधर। तो आप घर में ही रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11:45 और हम एक बार चलते हैं नाइशा के घर, क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है कि थंबनेल कैसे बदलना है, ये कैसे करना है। पहली बार उसने यूट्यूब चालू किया तो उसको इतना कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं और चल के उसे बताते हैं। वैसे आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो गाइस, फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 12:45 और नाइशा की वीडियो फाइनली बन चुकी है और अब वो उसे अपलोड करेगी, तो देखते हैं। तो नाइशा का वीडियो फाइनली अपलोड हो रहा है। कितना परसेंट हो गया? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। इतना जल्दी तो मेरा भी नहीं होता जितना नाइशा का हो रहा है। मेरे वीडियो को अपलोड होने में तो 20 मिनट लग जाते हैं, नाइशा का तो कितने मिनटों में हो रहा है। तो फाइनली नाइशा का वीडियो अपलोड होने वाला है। बस क्या हो रहा है अभी? प्रोसेसिंग है, स्टार्टेड। हाँ, वो आता है। 95% प्रोसेस्ड और ये हो गया अपलोड। तो गाइस, नाइशा का फाइनली वीडियो अपलोड हो चुका है और इसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। मुझे चेहरे पे तो नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँ। थंबनेल वो सिखा दूंगा। अरे यार, यूट्यूब पे कितने सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, कल भी तो सिखाया था मैंने। मैंने देख लिए बहुत सारे भैया, मैं कौन सा नहीं आ रहा। अरे लिपस्टिक क्यों लगाई है ऐसे ही? होता है। तो गाइस, अभी आपने देखा कि नाइशा ने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है, अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 4:50। मैं हूँ दादू दादी के कमरे में अभी, और खाना खा लिया अभी हमने, और अब हम देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, और साथ ही में छत पे भी चलेंगे। फिलहाल दादू अपनी मूवी इंजॉय कर रहे हैं। और दादू, मूवी का नाम क्या है? दादू को पता ही नहीं है। तो अभी हम आम खा लेते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम हो रहा है और आम खाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएंगे, तो काट लेते हैं। नाइशा भी अभी आ चुकी है बेबी को लेके। नाइशा, आम बताओ थैली में कैसे रखे हुए हैं? अंदर जाकर खुद देखना, थैली के अंदर पानी भरा हुआ है। तो फिलहाल हम एक बार इसे काट देते हैं जल्दी। कुछ अजीब तरह से कटा है। मुझे अच्छे से काटना ही नहीं आता, इतना सा कटा है बस। और भी काट लूँगा, फिलहाल एक बार इसे खा लेता हूँ। आम खाना है तुझे भी? तो यहाँ पे नाइशा आम काटते हुए। टन 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 टन, वायर नाइशा द प्रो। तो हम नाइशा के बनाए हुए आम खाते हैं अभी। अच्छा है। निया फिलहाल अपना गाना एंजॉय कर रही है और अभी टीवी पर चल रहा है। तो गाइस, फिलहाल नाइशा ने आम काटने की निंजा टेक्निक को आजमाया है और बहुत ही अच्छा आम काटा है। फिलहाल हम गुठली भी खा लेंगे इसकी। तो गाइस, फिलहाल अभी मैंने आम खा लिया और अभी मेरा पोपट हो गया था, कि जब मैंने आम की गुठली ली ना, तो इतनी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गई थी, मतलब पिघलने लग गई थी जो उसकी हार्ड सरफेस से। तो मतलब मैंने उसे लिया और मैंने उसे दबाया, तो उसका मतलब थोड़ा बचा हुआ रस निकल रहा था ऐसा। तो मैंने यूँ फिर मतलब दबाया और फिसल के वो यूँ उछल के टेबल पर गया। इससे के पहले दादू देख लेते, मैंने वापस ले लिया। तो नाइशा आ गई है यहाँ पर, बताना बस। और फिलहाल अभी नाइशा और मैं खेलेंगे। फिलहाल नाइशा और मैं खेलेंगे बैडमिंटन और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। को जब बैडमिंटन खेलते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं, तो हालत कैसी होती है?
फिलहाल दादू निया के साथ महाभारत देख रहे हैं। बिना अनुमति के खा कैसे सकते हो तुम? कथा सुननी चाहिए तुझे, थोड़ा पता चलेगा तुझे महाभारत के बारे में। तो गाइस फाइनली नाइशा आज महाभारत देख रही है और निया भी महाभारत देख रही है। फिलहाल हम जा रहे हैं नाइशा के घर और नाइशा कह रही है कि उसे टेंट बनाना है, पहले भी बनाया हुआ है हमने, तो देखते हैं कि नाइशा इस बार कैसा बनाती है। क्या हुआ? हाँ जलता रहता है ये, यहाँ से भी रास्ता बंद है क्या? तो गाइस फिलहाल उधर का गेट बंद था और हमने सोचा पीछे वाले रास्ते से चल चलेंगे नाइशा के रूम तक, लेकिन वो रास्ता भी बंद है। तो गाइस फिलहाल चाबी ढूंढ के हम आ चुके हैं अंदर नाइशा के रूम में। अब नाइशा इधर वाले एरिया में टेंट बनाएगी, तो देखते हैं। नाइशा ऊपर की कवर को साफ कर रही है। इस कपड़े में साबुन है भाई? हाँ तो साबुन से भी तो साफ हो गया, सोखने दे फिर उसे। और नाइशा ने अपना एक टेंट बनाया है यहाँ पे, यहाँ से नाइशा अंदर घुसेगी और बहुत ही छोटा सा है, नाइशा को बस लेटने को मिलेगा। और मैं यहाँ से इस कपड़ पे लगाऊंगा और फिर आपका काम भी मैं ही कर लूंगा, मेरी तरफ से ये बिछाया है। हाँ तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा ये, और फिर यहाँ से यहाँ चेयर से अटैच हो जाएगा ये चादर और फिर बन जाएगा टेंट। और क्या चाहिए? मत कर कैमरा पे। तो गाइज नाइशा ने फाइनली टेंट बना दिया है, इधर का नाइशा ने सबसे पहले बनाया था, फिर बाद में नाइशा मैंने मिलके ये वाला बना दिया। तो ये बस ऐसा टेंट है कि यहाँ से अंदर घुसो चलते जाओ और वहाँ तक पहुँचो। तो अब नाइशा इसके अंदर पिलोज डालेगी और हमारा टेंट फाइनली रेडी हो जाएगा। ओ टकार क्यों मार रही है फालतू? रेस्ट किया था। तो गाइस ये है हमारा टेंट और इसके अंदर बस जाएंगे, बातें बातें करेंगे, अगर दिख सके तो टीवी को दिखने वाला नहीं है क्योंकि पहले हम इधर इस एरिया में बनाते थे, लेकिन नाइशा ने इस एरिया में बनाया नहीं, उसने कहा कुछ इनोवेटिव करते हैं तो यहाँ पर बना लिया उसने। बाकी पहले यहाँ से टीवी भी दिखता था अंदर टेंट में बैठे बैठे। गाइस आपको पता है मेरी जो मौसी है ना, उन्होंने टिंकर बेल की हेयर स्टाइल बनाई है। मतलब शायद से उन्होंने एडिटिंग की थी, अच्छे से नहीं पता, पर मम्मा बोलती थी उन्होंने हेयर स्टाइल बनाई है टिंकर बेल की। मतलब जब टिंकर बेल देखती हूँ ना तो एंड में ऐसे नाम आते ना एडिटिंग और ये सब, उसके म्यूजिक और सब। और अब नाइशा यहाँ से चल चल के अंदर तक जाएगी। गाइस नाइशा ने जो टेंट बनाया अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और नाइशा अपना अमरस भी ले आई है। आम जब मैंने बोला खा ले तब तो आम नहीं खाया, अब अमरस बना ले। तो ये टेंट है छोटा सा इतना सा, नाइशा इधर अंदर घुसेगी। दिख भी रही है नाइशा कि नहीं? दिख रही हूँ, आप नहीं दिख रहे हो। और ये नाइशा का एक गेट की तरह है, फिर नाइशा का बस ऐसे अमरस दिखेगा। अब तो अमरस भी नहीं दिखेगा। तो नाइशा वहाँ पे अंदर अपना अमरस एंजॉय कर रही है। ओ वाह यार तेरे तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है। और गाइस मैं यहाँ पे बस बैठा हूँ वैसे ही इतनी सी छत पे, ऊपर से जो भी सामान है सब मेरे पे ही गिरेगा। यहाँ पे हमारा पोपट टूट चुका है, पूरा टेंट हम पे गिर गया है और ये नाइशा यहाँ पे पीछे आराम से दबी पड़ी है और मेरा दांत टूट गया। अरे नाइशा उठ जा, उठ जा नाइशा, ए नाइशा उठ जा। बिल्कुल ये टेंट तेरे ऊपर गिर गया फिर भी नहीं हटी। चल हवेली से, अब तू हवेली की, मैं तो जा रहा हूँ, चल बाय। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 9:04 और अभी डिनर टाइम है और हमारा खाना भी आ चुका है दाल रोटी, तो अभी खा लेते हैं और फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी टाइम हो रहा है 10:00 और मैं आ चुका हूँ ऊपर, और बहुत टाइम बाद ऊपर आया हूँ और आज सोऊंगा एक महीने बाद ऊपर। बहुत टाइम से दादी के पास था क्योंकि जब से कोरोना आया था तब से हम सबको क्वारंटाइन होना था, पापा को जैसे ही हुआ तब से हम नीचे रहने लग गए मैं, और फिर दादी के साथ इतने टाइम तक रहा और रोज़ रात को दादी के साथ सोता और सब दवाइयाँ वगैरह लेते
और अब ठीक हो गया था। मम्मा भी आई, अब मम्मा भी रिकवर कर रही हैं और ठीक हो गई हैं। अब आज मैं ऊपर आ गया और अब ऊपर रहूँगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।